तीन जून शनिवार को धार जिले की मनावर विधानसभा के ग्राम अमलाथा में कांग्रेस नेता आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राधेश्याम मुवेल के नेतृत्व में आयोजित हुए आदिवासी महाकुंभ में कांग्रेस के दिग्गजों ने शिरकत की है। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टिकम ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय है। जिले के सह प्रभारी सतीश जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज इस आयोजन में क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यह कांग्रेस की सरकार बनने का आगाज है। विधानसभा के स्थायी नेता राधेश्याम मुवेल ने मंच पर स्वागत करते हुए सभी उपस्थित जनता का आभार व्यक्त किया और मनावर विधानसभा 199 का शंखनाद भी किया। उन्होंने कहा कि आज इस आयोजन में आदिवासी बहुल इलाके की विधानसभा मनावर इकट्ठा होकर विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया है। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। कि ना तो मैं यहाँ का विधायक हो, ना ही मैं कोई सांसद हो और ना ही किसी संवैधानिक पद पर हो, लेकिन मेरे कुछ नहीं होने के बावजूद भी आप इतनी तादाद में आए, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर। आज आदिवासी महाकुंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष और कमलनाथ जी के खास हम खास और मेरे यूथ के और एनएसए के साथी और पूर्व बैतूल के लोकसभा के हमारे साथी आदरणीय रामू टेकाम जी का इस धरा पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। साथ ही हमारे प्रभारी परमादरणीय जो टाइम टाइम हमको मार्गदर्शन देते हैं, जो कि बड़वानी जिले से पधारे हमारे गिरीश जायसवाल जी, साथ ही डॉक्टर हेमंत हिरोले जी, मनोज चौधरी जी, हमारे बड़वानी से अरुण यादव जी, सतपाल बरनाला जी मेरे मार्गदर्शन के रूप में। आज के उसका कारण यही है कि हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी जिसे भी यहाँ से टिकट देंगी हम भारी मतों से एकजुट होकर के हम भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़के कांग्रेस का विधायक बिल्कुल एकजुट रहेंगे सारे आदिवासी। राधेश्याम मुवेल की लोकप्रियता और सक्रियता की वजह से क्या हाईकमान तक राधेश्याम मुवेल का नाम की अनुशंसा आप वरिष्ठ लोग करेंगे कमलनाथ जी तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं करती। मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, मैं विधानसभा का टिकट मांग रहा था, मुझे विधानसभा के टिकट ना देकर के माननीय कमलनाथ जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। सरकार बनी थी उस समय मुझे PSC का मेंबर बनाया, उसके बाद में मुझे जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश कांग्रेस बनाया और आज आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आप लोगों के बीच में हूँ। तो हमारे कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं हम मान सम्मान देंगे, इसकी पूरी जवाबदारी माननीय कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी ने स्थानीय का कहा कि इस बार स्थानीय को टिकट देंगे, तो उसमें क्या राधेश्याम मुवेल तो खरा उतर रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये हम जो भी निर्णय है हमारे हाईकमान और हमारे संगठन को करना है, लेकिन जो भी पार्टी के दिशा निर्देश होंगे उसको हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पालन करेंगे। पर्टिकुलर आपसे विचार जाने गए कि आप दौरा करके आए महाकुंभ में, आपकी क्या राय है? कमलनाथ जी अगर ऐसा पूछते तो क्या राधेश्याम की महाकुंभ में आप अनुशंसा वहाँ ऊपर करेंगे? देखिए, राधेश्याम मेरा सही है, राधेश्याम ने मेरे साथ में NSY से लेकर यूथ कांग्रेस में संघर्ष किया। हमारा मकसद केवल टिकट पाना नहीं है, हम लोगों का मकसद है सरकार बनाना और हमारे पूरे वर्ग को फायदा देना, किसी एक के लिए नहीं, हम पूरे समाज के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए हम काम करना चाहते हैं। केवल टिकट तक हमारे हम अपने आप को सीमित नहीं करना चाहते। क्या संदेश देना चाहते हैं आदिवासियों के नाम? विगत 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है और मैंने चिट्ठी स्पीच में भी बोला कि जिस हिसाब से 18 साल में आदिवासियों का शोषण किया गया है, हम इस महाकुंभ के माध्यम से सभी लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या क्या नुकसान 15 साल में हुआ, उसका खामियाजा कैसे भुगता जाए। हम उनकी मांगे रखें कमलनाथ जी से, कमलनाथ जी को हम मेन चीज़ तो ये रहेगी, ये जो पलायन है वो रुके जल्दी से जल्दी जब उनकी सरकार बने, साथ ही रोजगार दें। तो महाकुंभ का मेन मकसद ये, जैसे कि युवा बढ़ चढ़ कर आए, महिलाएँ बहुत बढ़ चढ़ कर आई हैं, तो ये इस कुंभ का यही संदेश है कि अब पब्लिक चाहती है कि कमलनाथ जी आए। यहाँ देखने में ये भी मिल रहा है कि आदिवासी के कई अनेक भागों में बांट दिया है, क्या लगता है आपको?
आदिवासी जो कट्टर कांग्रेसी माइंड का व्यक्ति है वो कांग्रेस के साथ ही है। कुछ लोग जो सामाजिक संगठन के नाम से इस कांग्रेस पार्टी और आदिवासियों को मूर्ख बना रही है, पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा था कि कहीं टिकट मांगे कि हमको 100 दे दो, 150 दे दो, आखिर में 100 पर उस सामाजिक संगठन को भेज दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी है, संगठन जो कि आदिवासियों के हित के लिए काम करती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।